ଆହାର ପାଲଟିଛି ସାହାରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାରା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ କାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସରିଯାଇଛି ତ କାହା ପାଖରେ ଚାକିରି ହିଁ ନାହିଁ, ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏପରିକି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପାର୍ସଲ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। आ रहे हैं अच्छापुर से ईट बनाने, यहाँ तो अभी गाड़ी टेम नहीं हुआ है इसलिए आज का भी खाना थोड़ा देर। अब क्या करें, अब लॉकडाउन से बाहर है, नहीं तो स्टेशन के अंदर ही रहते हैं हम लोग वहाँ ब्रह्मपुर के आगे से आ रहे हैं, वहाँ भट्टे का काम करते हैं और भट्टे के काम ये बारिश और लॉकडाउन के नाते से हम लोग को पूरा काम नहीं मिल पाया, ना पैसे कौड़ी नहीं मिल पाया, उसी लिए हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो यहाँ अब खाना मिल रहा है सरकारी, तो पैसे के नाते से हम लोग यहाँ मतलब ये मिल रहा है तो लिए है खाना। कोरोना महामारी भीतर लॉकडाउन और शटडाउन चली और यार भीतर मनीष जो जीवन और जीविका को नहीं संघर्ष करुची बचा पाई, तो एभली समय रे कि निजे चाकरी हरे सारी तो किए निजे उपार्जित अर्थ जहाँ आय करा ता धीरे धीरे खर्च हो गला। तेणु बर्तमान कामर अभाव चली पेट भोक आउटु पाउटु हो तेणु सहारा साजिश साधारण लोक पांच टंकिया भात डालमा आहार केन्द्र लोक मैंने जी निजे चाकरी हर सारी जहाँ पाखे आ पैसा नहीं चलने पांच टंकिया भात डालमा उपरे निर्भर करी अछंती।